Guys, today I'll be showing you how to make spaghetti aglio olio. It is a one pot dish and you can make it super quickly and it is super easy and it requires least amount of ingredients. So we are making a 5 ingredient pasta, just the 5 ingredients, which are the spaghetti pasta, garlic, olive oil, chili flakes, parmesan cheese, and you can use any other cheese as well. So let's get started. First I'll take olive oil in a pan. इसमें हम सिर्फ ऑलिव ऑयल का ही यूज़ करते हैं बिकॉज उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है. एंड जब ये ऑयल ठंडा है तो तभी हम इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे. जब ये गार्लिक उस ऑयल में कुक होगा तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हांस होगा. सो इसीलिए हम इसे ठंडे में ही ऐड कर देंगे. अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 minutes कुक करने के बाद गार्लिक अपने आप एक लाइट ब्राउन कलर लेगा एंड ऑयल में पूरा इन्फ्यूज हो गया है फ्लेवर गार्लिक का, सो इट विल स्मेल वेरी गुड. नेक्स्ट वी विल ऐड स्पेगेटी पास्ता. बॉइल्ड पास्ता मैंने लिया है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ पास्ता इन अ शेप ऑफ नूडल्स. ये ऐड करने के बाद लाइटली मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएंगे. सो जस्ट गिव इट अ नाइस मिक्स इन वन डायरेक्शन. एक डायरेक्शन में इसे मिक्स करने के बाद आई विल बी एडिंग सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स. चिली फ्लेक्स गिव्स अ वेरी स्पाइसी टैंगी फ्लेवर इन द पास्ता बिकॉज और कोई ज़्यादा मसाले हम यूज नहीं करते हैं इसमें. सो ड्राई चिली फ्लेक्स आर परफेक्ट टू ब्रिंग दैट फ्लेवर. एंड ऑलिव ऑयल एंड चिली फ्लेक्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. सो जब भी आप मिक्स करें मेक श्योर मिक्स वेरी लाइटली इन वन डायरेक्शन, अदरवाइज वो टूट जाएंगे. लिड ऑफ करने के बाद हम लोग इसे 2 मिनट कुक करेंगे सो दैट जो भी सॉल्ट एंड चिली हमने डाला है उसका फ्लेवर इन्हांस हो जाए. नेक्स्ट टाइम एडिंग पार्मेजान चीज़. पार्मेजान चीज़ के अलावा कोई और चीज़ भी आप डाल सकते हैं बट पार्मेजान गोस्ट बेस्ट. एंड थोड़ा मैं सेव करूंगी गार्निशिंग के लिए. सो आफ्टर द फाइनल मिक्स आई विल सर्व इट. यू डोंट नीड मच ऑफ कुकिंग बिकॉज पास्ता ऑलरेडी बॉइल्ड है एंड ऑयल हमने प्रॉपरली कुक कर लिया था स्टार्टिंग में ही. सो नाउ यू कैन टेक अ टोंग and spiral the pasta. This is the perfect way of garnishing and serving this pasta. Top it with some parmesan jo humne rakha tha side mein and you can even add some oregano on top of it, some chili flakes if you want more spicy. So for more such amazing one pot dishes, please subscribe, do like my videos, comment them below and stay tuned. Thank you.